Praise the Lord. जय मसीह की। I want to greet you in the name of Jesus. मैं यीशु मसीह के नाम से आपका अभिवादन करना चाहता हूँ। We've been studying through Mark's Gospel and we are in chapter 9. और अभी हम मरकुस का सुसमाचार पढ़ रहे हैं और हम 9वें अध्याय में हैं। So many things have happened so far. इतनी सारी चीजें घटित हुई हैं इस 9वें अध्याय में। Jesus has been teaching his disciples. Jesus is healing the sick, raising the dead. He is facing opposition from religious leaders. यीशु मसीह कितनी सारी चीज़ें सिखा रहा है इस 9वें अध्याय में और लोग अपने चेलों को सिखा रहा है, चमत्कार कर रहा है और देखो आगे क्या होता है। We can see that Jesus is explicitly telling about his death and his resurrection and even his coming again. और यीशु मसीह बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि वो किस तरीके से मारा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। And we can see the disciples don't understand that much. और हमने ये भी देखा कि जो चेले हैं वो इस बात को समझने नहीं पा रहे हैं। Jesus' disciples think that they're just following a king and you know they're a different group, you know they can be nobody like them kind of attitude. और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो एक राजा के पीछे चल रहे हैं और उनके उनके अलावा और कोई भी नहीं है और वो ही आगे राज करने वाला है। And I can see that many people have misunderstood even after being with Jesus. Who is Jesus and what Jesus can do? और मैं ये भी देख पाता हूँ कि आज भी ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को जानकर भी अनजान बने हुए हैं और कि वो ये नहीं समझ पाते कि यीशु मसीह की सामर्थ क्या है और यीशु मसीह क्या कर सकता है और क्या नहीं। Today we're going to study about an important passage in the Bible. आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वचन पढ़ने वाले हैं बाइबल में। And it is in chapter 9. और वो है 9वें अध्याय में मरकुस के में। How many of us think about pain and feel like, man, I don't want to suffer? हम में से कितने लोग हैं जो दर्द के बारे में सोचते हैं और हमें लगता है और हम ये सोचते हैं कि हमें उस दर्द से नहीं गुजरना। A young boy who broke his hand will say, I don't ever want to go through fracture. और जिसका एक छोटे बच्चे का अगर हाथ टूटा हो टूट जाता है तो वो ये सोचता है कि मुझे कभी भी अभी फिर से अपना हाथ टूटने से बचाना है। Somebody who had a toothache which has a cavity problem doesn't ever want to go through that because that pain was so bad they don't want to go through that again. अगर किसी के दांत में कीड़ा लग गया है तो वो उस दर्द को पहचानता है तो वो यही कोशिश करता है कि मेरे दांत में दोबारा से कीड़ा ना लगे। Someone made an accident and they really lost a part of their body and it is something that they never want to go through. और अगर किसी दुर्घटना में किसी का हाथ या पैर में कहीं लग जाता है और वो उसे खो देता है तो वो उस दर्द से दोबारा गुजरना नहीं चाहता। I'm sure all of us have some or the other way touched the candle or the gas light and probably burned our fingers a bit. और हम में से बहुत सारे समय हम लोग कभी कभार ऐसा कर देते हैं कि मोमबत्ती जल रही होती है और अपना उसके अंदर हम हाथ दे देते हैं और जला लेते हैं। Pain, loss of a body part, physical harm, fire burning us, these are all things that are painful. You know, जलना, अपने शरीर का एक अंग खो देना, ये सारी चीजें बहुत दर्दनाक हैं। But we got to study that Jesus talking about those things with a perspective in this particular portion. और यीशु मसीह भी कुछ इसी तरीके से उदाहरण ले रहा है और इस भाग में कुछ सिखाना चाहता है। It's the sweet Jesus speaking harsh words. जो एक बहुत ही मधुर तरीके से बात करने वाला यीशु मसीह आज एक बहुत ही कठिन तरीके से बात कर रहा है। If you start with me in verse 42 of chapter 9 of Gospel according to Mark, you'll understand. हम 9वें अध्याय के 42 वचन में अगर देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या बोला, 9वें अध्याय के 42वें वचन में हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या बोला। If anyone causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a huge millstone tied around his neck and to be thrown into the sea. जो कोई इन छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करता है किसी को ठोकर खिलाए तो इसके लिए भला है कि एक चक्की का पाट उसके गले में डाल दिया जाए और वो समुद्र में डाल दिया जाए। It's very graphic, right? Can you imagine somebody
having his neck hung with a millstone, which is 1,000 kilos, and thrown into the sea. सोच कर देखिए कि कितना भयानक दृश्य है ये कि एक जो आदमी है उसके गले में एक 100 किलो का पत्थर बांधा हुआ है और उसको समुद्र में फेंका जा रहा है. It's like a punishment given by a king to somebody who should die but suffer and die. और ये वो सजा है जो राजाओं के द्वारा दी जाती थी कि वो चाहते थे कि ये मरे पर तड़प तड़प के मरे. But why is Jesus talking about such a punishment? पर यीशु मसीह यहाँ पर इतने दर्दनाक सजा के बारे में क्यों बात कर रहा है? Who is he saying should suffer like this? किसके बारे में बात कर रहा है यीशु मसीह? Jesus said it would be better for him if he goes through this. और वो यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि उसके लिए ये भला है कि वो इस दर्द से गुजरे. Who is this and why? और ये कौन है और क्यों है? Read it again with me. जरा दोबारा से पढ़ के देखेंगे. If anyone causes one of these little ones who believe in me to sin. जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो. Do you understand? आपको समझ में आ रहा है? A simple ordinary person of faith is what Jesus is talking about. Who is not to be stumbled? और ये छोटा विश्वास है, अभी विश्वास में अभी उसने कदम बढ़ाया है, उस लोगों के विषय में बात की जा रही है. Jesus talking about the punishment that is better off for a person who would stumble someone who is walking in faith. और ये उन जो नए विश्वास में कदम बढ़ा रहे हैं, अगर उनको ठोकर खिलाने का काम करता है, तो उसके लिए ये सजा अच्छी है. Jesus says anyone who would cause this. और उसमें लिखा हुआ है कोई भी हो. Immaterial what is their position, if they are in ministry or not in ministry, if they are in a religion or non-religious, if they have a particular caste, creed or profession, anybody who would do this, for them it's better they go through this. फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस उपाधि पर बैठे हुए हैं, उनकी जगह क्या है, पादरी हैं कि नहीं हैं, किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस जाति से वो हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके लिए ये यही सज़ा है. Imagine a person with a millstone, something heavy would fall, their neck will break. ज़रा सोच कर देखिए, अगर किसी व्यक्ति के गर्दन में इतना भारी 100 किलो का अगर बांध के उसे फेंका जाएगा तो उसकी गर्दन वहीं टूट जाएगी. A huge millstone is minimum 1,000 kilos. वो जो चक्की का पाट उस समय होता था वो कम से कम 100 किलो का होता. Jesus says this is better for him than to go through something else. और ये और यीशु मसीह क्या बोलता है, ये उसके लिए अच्छा है कि और किसी चीज से वो गुजरे. Brother, sister, leading somebody to sin will invite judgment towards your life from God and God's own anger. किसी और को अगर आप पाप की तरफ बढ़ाते हैं तो परमेश्वर का जो न्याय है वो आपकी तरफ आएगा. Don't lead a Christian in a wrong way. आप एक मसीही व्यक्ति को गलत जगह पर लेके ना जाएं. Don't assume that you know better and lead others in the wrong direction. और आप ऐसा मत सोचिए कि आपको बेहतर मालूम है और उसको आप अपने हिसाब से चलाएं. Jesus, I mean, if I would say this is a big punishment, Jesus is saying it's better he goes through this. ये बहुत बड़ी सजा है, बहुत दर्दनाक सजा है, पर फिर भी यीशु मसीह क्या बोलता है, ये अच्छा है कि वो इससे गुजरे. Because what is going to come as a bigger punishment will be even more worse for those who will stumble the children of God. और जो इससे बड़ी सजा जो उसके पास आने वाली है वो उससे तो अच्छा है ये सजा उसके लिए. Jesus is saying it's evil to stumble somebody who is in faith. ये बहुत ही शैतानी है कि किसी और को विश्वास में से गिरा देना. If you remember, Jesus was taking a young kid and make the child stand in front of the disciples and is teaching about who is greater, you know, in the kingdom of God. और हमने देखा कि इससे पहले जब हमने पढ़ा था तो यीशु मसीह ने एक बालक को उनके सामने खड़ा किया और बताया, तुम में से जो कोई बड़ा होना चाहता है वो सबका सेवक बने और इसकी तरह बने. So kids do have faith. बच्चों के पास भी विश्वास होता है. Blind faith. अंधा विश्वास. Innocent faith. बहुत ही मासूम सा विश्वास. But real faith. सच्चा विश्वास. Destroying a kid's faith is evil. एक बच्चे का विश्वास तोड़ना बहुत ही शैतानी है. If you get a kid into a sinful habit, oh, it is very difficult for the kid to get out of it as the kid grows, because it is evil.
अगर किसी बच्चे को आप कोई ख़राब आदत लगाते हैं तो मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत ही भयानक बात है, क्योंकि वो आने वाले समय में उसका और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। Teaching a young kid a habit of sin, that kid will never be able to get out of it, and that is evil. एक छोटे बच्चे को ये सिखाना कि पाप कैसे किया जाता है, ये बहुत ही शैतानी है और वो बच्चा इससे बाहर नहीं आ पाएगा। So Jesus is talking about being careful about not stumbling a brother or sister who is walking in faith. और यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि बहुत ही चौकस रहो कि कोई भी आपके द्वारा विश्वास में डगमगाए ना। But I don't want you to misunderstand and say, okay, now Jesus is telling us we can do this and don't go and do this. यीशु मसीह ने ऐसा कहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के गर्दन में पत्थर डाल के उसे समुद्र में फेंक दें। Understand what Jesus is talking about. आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि यीशु मसीह कहना क्या चाहता है। Jesus is saying it will be more painful for somebody to face the wrath of God than to go through this. और यीशु मसीह का कहना यह है कि परमेश्वर का न्याय जब उनके पास आएगा उसको झेलने से ज्यादा अच्छा है कि ये बंदे को समुद्र में फेंक दिया जाए। It's not that Jesus wants somebody to be thrown into the water, but Jesus is saying it's going to be painful more than what he will suffer in this situation when he would face God. यीशु मसीह का कहना यह नहीं है कि उसके गर्दन में ये पत्थर बांध के सच्ची में तुम फेंक दो, पर वो बताना चाहता है कि वो जो दर्द है उससे भी भयानक दर्द तब होगा। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए उससे भला है कि दोनों हाथ रहते हुए नर की आंख में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। See, brother, sister, God cares for your soul, Jesus cares for your soul, I care for your soul. भाई और बहनों, यीशु मसीह आपकी आत्मा की परवाह करता है। अब यीशु मसीह आपकी आत्मा की परवाह करता है, मैं आपकी आत्मा की परवाह करता हूँ। Your personal sin can stop you from going to heaven and lead you to go to hell. आपके खुद के निजी पाप हैं, वो आपके ठोकर का कारण बन सकते हैं कि आप परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। If you love your hands so much, if you love your body so much and want to indulge in sin using this body part, Jesus says it's better for you to cut that body part because with that you might go to hell. Without that, if you can go to heaven, avoid hell as much as you can with all cost. यीशु मसीह क्या बोलता है कि अगर तुम्हारे शरीर का ये हाथ जो अंग है उसे अगर वो तुम्हें पाप की ओर धकेलता है तो उसे काट डालिए, ताकि इससे अच्छा है कि आपके पास एक हाथ रहे और स्वर्ग में जाएं, इससे कि आपके पास दोनों हाथ हैं और आप नरक में डाले जाएं। Jesus is teaching about hell here. यहाँ पर यीशु मसीह नरक के बारे में बात कर रहा है। Avoid it at all cost. और यीशु मसीह क्या बोलता है, नरक को आप नकारें किसी भी कीमत पर। Cutting off your hand, you know, it is just painful. जब आप अपना हाथ काट लेंगे तो ये बहुत ही दर्दनाक बात है। Jesus is not saying that you should cut your hand physically. यीशु मसीह ये नहीं बोल रहा है कि आप शारीरिक रूप से अपने हाथ को काट लीजिए। But he's saying it's more painful to go to hell. और यीशु मसीह यही बताना चाहता है कि जो नरक में जाना वो बहुत ज्यादा दर्दनाक है। God doesn't want you to go to hell. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नरक में डाले जाएं। And he also explains that hell is going to be a place of unquenchable fire where fire will not stop burning. और परमेश्वर हमें यह भी सिखा रहा है कि जो नरक की आग है वो कभी भी बुझेगी नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए जलती रहेगी। Real pain. वो सच्चा दर्द होगा। You will have conscience to suffer. You will feel the pain. आपके पास वो भावना रहेगी कि आपको दर्द हो रहा है, आप उस दर्द को सच्ची में महसूस कर पाएंगे। God cares for your soul and he wants to save you, so he offers you salvation. आप परमेश्वर आपकी आत्मा को बचाना चाहता है ताकि आपको नरक में ना डाला जाए, तो यीशु मसीह आपको अनंत काल का जीवन देगा। If you want a better life, then remember, then looking to heaven is the only way and trying to save yourself away from hell is better. यीशु, अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो नरक की बातों से दूर रहिए और परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, यीशु मसीह पे, वो आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। Jesus again saying it is better for you to enter into life.
यीशु मसीह क्या कह रहा है कि ये भला है कि तुम जीवन में आओ. Crippled than to have two hands and go to hell. दोनों हाथ रहकर नरक में जाने से अच्छा है कि आप ये करें. Jesus is really talking about, you know, death with no escape. यीशु मसीह उस बारे में बात कर रहा है कि मृत्यु और आप उस मृत्यु से भाग नहीं पाएंगे. Suffering but no escape. बहुत ज्यादा ताड़ना पर उससे आप भाग नहीं पाएंगे. Pain but no escape. दर्द होगा पर आप उससे भाग नहीं पाएंगे. Jesus is talking really harsh things, you know. It's just unbearable to hear this. यीशु मसीह सच्ची में एक बहुत ही कठिन बात को कर रहा है. ये सुनना ही बहुत डरावनी बात है. But this is the message. पर यही समाचार है. When you go to a doctor, sometimes doctors will give you a treatment that can cause you pain. Could be an injection, could be saline, or could be a surgery too. जब कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका इलाज की प्रक्रिया हो सकता है वो दर्दनाक हो, क्योंकि वो हो सकता है आपको इंजेक्शन दे या फिर आपको सर्जरी से गुजरना पड़े, पर वो आपके लिए अच्छा है. That is good for you because that will benefit you in the long run. और वो आपको लाभ देगा एक लंबे सफर में. So eternal life is the biggest benefit and the most profitable you can ever receive for your life. अनंत काल का जो जीवन है वो सबसे बड़ा एक अच्छी बात है और लाभदायक बात है. आप उसे पकड़ लेंगे तो जिंदगी जिंदगी भर आप जीवित रहेंगे. But if you don't understand hell, if you don't get this message, if you don't understand hell is painful, if Jesus doesn't deliver this message, you will not understand that hell is painful and I don't want to go to hell. You will not understand that cutting off hell, avoiding hell is important and going to heaven is important. और यीशु मसीह का यहाँ पर ये प्रचार करना और ये सिखाना कि नरक क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप समझ जाएं कि स्वर्ग कैसा है और नरक कैसा है और आपको नरक से कितनी दूरियाँ बनानी है और उसे कैसे अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक देना है. Because Jesus speaks, we know for sure hell is real. यीशु मसीह ने ये नरक के बारे में बात की है तो हम इस बात पर पूर्ण तरीके से विश्वास कर सकते हैं कि नरक है. And heaven is real. स्वर्ग भी है. Do you understand that? आपको समझ में आ रहा है ये बात? Verse 45. आइए हम आगे बढ़ते हैं. If your foot causes you to sin, cut it off. It is better to enter life lame than to have two feet and be thrown into hell. यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिला है तो उसे काट डाल. लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दोनों पैरों रखते हुए नरक में डाला जाए. We take care of our fingers, fingernails, hands, legs so much. हम अपने नाखूनों का, अपने हाथों का, अपने पैरों का इतना ज्यादा तरीके से ख्याल रखते हैं. Jesus, if they cause you to sin, cut them off. अगर वो आपको पाप में डाल रहे हैं तो उनको काट के फेंक दीजिए. Nobody wants to cut it off. किसी को ये काट के फेंकना नहीं है. So the only option is avoid sin. इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप पाप से दूर रहें. Cut off sin. पाप को अपनी जिंदगी से काट के फेंक दें. Is your leg leading you to a particular path of sin? क्या आपका जो पैर है वो आपको उस जगह पर ले जा रहा है जहाँ पर आप पाप करते हैं? Now turn away from that. आप उससे मुड़ के उसके पास कभी मत जाइए. Because it is better for you to enter life than to go to hell. ये जीवन में प्रवेश करना अच्छा है नरक में जाने से. This is the message. Avoid hell at all cost. नरक को आप अपनी जिंदगी से दूर निकाल दीजिए किसी भी कीमत पर. Cut off sin at all cost. जो पाप है उसको अपनी जिंदगी से काट के फेंक दीजिए किसी भी कीमत पर. Verse 47. आइए हम आगे पढ़ते हैं. If your eye causes you to sin, tear it out or pluck it out. It is better to enter into the kingdom of God with one eye than to have two eyes and be thrown into hell. यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल. काढ़ा होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दोनों आंखें रहते हुए नरक में डाला जाए. Most graphic images of punishment, you know, it's just unbearable to even visualize and think about it. Plucking off your eye. जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर जिन सजाओं के बारे में बोला गया है ये बहुत ही भयानक और दर्दनाक हैं. इसके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठती है. But what Jesus is trying to say is, hell is going to be even worse than this pain that you will suffer.
पर यीशु मसीह क्या बोलना चाहता है पता है? वो ये बोलना चाहता है, ये दर्द भयानक दिखता है तुम्हें, हाँ ये भयानक है, पर जो नर्क है वो इससे भी ज्यादा भयानक है। It's okay to suffer this and avoid sin and go to heaven than not suffer this and suffer forever in hell। और यीशु मसीह क्या बोलता है यहाँ पर कि ये जो सारी घटनाएं हैं इनसे इन पर जाना ये सच्ची में कठिन है, लेकिन जो नरक में जाना है उसकी जो आग है उस वो जो रास्ता है वो इतना कठिन है, वो इनसे भी ज़्यादा दर्दनाक है। Plucking away your eyes, cutting off your hands, cutting off your leg, these are very, very big, harsh statements. आंखें निकाल देना, पैर को काट देना, हाथ को काट देना, आप जरा सोच के देखिए ये कितने बड़े और दर्दनाक चीजें हैं। What he's saying is, if these things cause you to sin, because sin is something you need to learn to deal with harshly. लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अगर आपको ये सारी चीजें पाप में डालती हैं, तो पाप से निकलने के लिए आपको उनके ऊपर एकदम कड़क से आपको निर्णय लेना पड़े और काम करना पड़ेगा। A Jew sees their hands, eyes, legs as a gift from God. यो यहूदी लोग हैं वो हाथ कान आँख पैरों को परमेश्वर की दी ओर से दिए गए तोहफा मानते हैं। But yet it is not as valuable as heaven or life eternal. पर फिर भी ये उतना मूल्यवान नहीं है जो कि परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में रखा हुआ है और स्वर्ग है। Because the worst suffering and the worst pain and the worst destruction is going to be at hell. क्योंकि जो सबसे ज्यादा दर्द होगा, जो भी सबसे ज्यादा तबाही होगी, वो नरक में ही होगी। Having a great life in this world and ending up in hell is foolish. That's the biggest loss. आप इस संसार में सारे ऐशो मौज कर लेंगे और अपने आप को नरक में डाल देंगे, मैं बता रहा हूँ उससे बड़ा नुकसान आप अपने जिंदगी में कभी नहीं कर सकते। This is the reality. ये ही सच्चाई है। Jesus says hell is real. यीशु मसीह बोल रहा है कि जो नरक है वो सच्चा है। And sin will take you to hell. और जो नरक है, वो जो पाप है, वो तुम्हें नरक की ओर ले जा रहा है। If you are a Christian who is messing up your life, then stop it. अगर आप एक मसीह हैं जो अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं रुक जाइए। If you are a non-Christian and you are still messing up with Christians, stop it. अगर आप एक अविश्वासी हैं और आप विश्वासी लोगों के ऊपर आप परेशानी कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा रुक जाइए। Because you are messing up with God. क्योंकि आप परमेश्वर से जूझ रहे हैं। You are messing up with your own future in heaven or hell. क्योंकि आप अपने खुद के भविष्य जो स्वर्ग और नरक में है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। Where will you be after 10 years? आप 10 साल के बाद कहां होंगे? Where will you be after 50 years? आप 50 साल के बाद कहां होंगे? But if you think, where will you be after 100 years? पर आप जरा सोच के देखिए 100 साल के बाद आप कहां होंगे? You need to know. आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। It better not be hell, you want to be in heaven. आपको नरक में नहीं जाना है, स्वर्ग में जाना है। Think about it. जरा सोच के देखिए। Brother, sister, hell is real. भाई और बहनों, नरक सच्चा है। Don't think you will escape hell without Jesus. और आप ऐसा मत सोचिए कि आप नरक को त्याग उस नरक में से निकल जाएंगे बिगर यीशु मसीह के। Don't fall into the trap saying Jesus is not the only way. और ऐसा मत सोचिए कि यीशु मसीह के अलावा और भी बहुत सारे रास्ते होंगे। There is no way you can see that, no escape. और यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है और उससे निकलने का और कोई तरीका नहीं है। Verse 48, where their worm never dies and the fire never is quenched. यहाँ उनकी पीड़ा नहीं मरेगी, आग नहीं बुझेगी। A worm as tiny as an organism will not die in that fire because there is no end to the suffering in that fire. That's what Jesus is saying. और वो आग है, उस आग के अंदर एक छोटा सा कीड़ा है, वो भी मरेगा नहीं। वैसा वो यीशु मसीह बोलना चाह रहा है, उसमें जीवित रहेगा और वो आपको परेशानी और पीड़ा देगा। No death, but pain. मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन पीड़ा बहुत होगी। Hot fire will never stop. और जो गरम गरम आग है वो रुकेगी नहीं। Don't think you're okay and good. आप ऐसा मत सोचिए कि आप ठीक हैं और अच्छे हैं। Don't want to go to hell. आपको नरक में नहीं जाना है। Believe in Jesus. यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। Think about it. जरा सोच कर देखिए। This is about your future. यही है आपका भविष्य। This is about your eternal life. यही है आपका अनंत काल का जीवन का रास्ता। This is not a joke. ये मजाक की बात नहीं है। If you have some value to the words of Jesus as a person, as the Son of God, I will tell you, he did talk about hell, and don't ever take it lightly. अगर यीशु मसीह के ऊपर अगर आप जरा भी विश्वास करते हैं और आप ये मानते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, तो मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह कह रहा है कि नरक सच्चा है और उसके बारे में साफ साफ बता रहा है। The message here is cut off sin at all cost. और यहाँ पर जो
समाचार ये यीशु मसीह जो बोलना चाह रहा है वो ये बोलना चाह रहा है कि पाप को किसी भी तरीके से और किसी भी मूल्य देकर भी आप अपने आप को बचाइए। Enter heaven at all cost. आप स्वर्ग में किसी भी कीमत पे बैठ जाइए। Avoid hell at all cost. और जो नरक है उससे दूरियां बनाइए। Believe in this message. इस वचन पे विश्वास कीजिए। Accept Christ. यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए और उसे ग्रहण कीजिए। He is the way. वो ही एकमात्र रास्ता है। He is the truth. वो ही एकमात्र सत्य है। He is the life. और वो ही एकमात्र जीवन है। Let's pray. प्रार्थना करते हैं। Love you, Lord. I just want to bring everyone into your hands and ask you, Lord, to lead them, guide them in the truth. Lord, everyone who heard the message today, I pray their hearts really earn to know the way to heaven. And let their hearts really fear going to hell. Let them turn their hearts towards you and reject sin and accept you and walk in the kingdom. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. All right, God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। See you soon. दोबारा मिलते हैं। Praise the Lord. मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सअप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा। तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। अतः परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूँ कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया। Music